लेकिन नेताजी लोगों से भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, क्यों हम जनता को लूट रहे हो यार, क्यों हम लोगों का खून चूस रहे हो? इतनी मोटी मोटी तनख्वाह सरकार आपको देती है, कोई सांसद अपने खेत बेच के नहीं दे रहा तनख्वाह, हम लोगों के टैक्स के पैसे से है वो तनख्वाह भी, और आप लोग हमको क्या दे रहे हो? ये शर्म आनी चाहिए विधायक जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और ये सड़क किस तरह की बन रही है खुद देख लें, जो साल में 3 बार बिना चली हो, 1 साल में 3-3 बार रिपेयर करी गई है, वो कोई किसी के बाप का पैसा नहीं था, कोई सांसद अपना खेत बेच के पैसा नहीं लाता, हम लोग अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा लगाते हैं तब जाकर के सड़क बनती है। और कल का भगवान न करे यहाँ के ऊपर कोई हादसा हो गया तो मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा कर देंगे, प्रधानमंत्री जी अपनी घोषणा कर देंगे, लेकिन उसका क्या, आ जाओ, उसका क्या जिस माँ का लाल यहाँ पे जपेगा, शायद उससे किसी को कोई मतलब। और ईसाई मायने में सबको अपनी राजनीतिक रोटियां चमकानी है, इसलिए इसको सिर्फ एक मुद्दा बना करके लड़ना है। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हो CCN न्यूज 24 चैनल, मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर नहीं, उस लंदन पेरिस के अंदर मौजूद हूँ जिसे हमारी भारत सरकार दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, और बहुत सारे चैनलों पर इस माध्यम से आपने हर पत्रकार को ये कहते हुए देखा होगा, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा, लेकिन लंदन और पेरिस तो बने ना बने साहब, उन्होंने सत्यानाश जरूर करके रख दिया दिल्ली का। सच मायने में रिठाला विधानसभा के अंदर मौजूद हूँ, और उस विधानसभा के अंदर जिस विधानसभा के विधायक अपने आप को स्वयं लोकप्रिय विधायक बताते हैं, 70 विधायकों में से सबसे लोकप्रिय विधायक बताते हैं श्रीमान महेंद्र गोयल जी। अब सच मायने में तो मैं एक और हकीकत आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर कि रिठाला विधानसभा के विधायक जो महेंद्र गोयल हैं उनका नाम भी आज तक हकीकत में शायद किसी को नहीं पता, ना जाने कितने बोर्डों के ऊपर, कितने चौक चौराहे के ऊपर उनका नाम बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है मोहिंदर गोयल, लेकिन कुछ एक जगह पर लिखा हुआ है महेंद्र गोयल, इसलिए नाम की कंफ्यूजन को छोड़ते हुए सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। विश्राम चौक के ऊपर मौजूद हूँ, और वो विश्राम चौक जो कि सुर्खियों में बना रहता है दिल्ली के अंदर, रोहिणी के अंदर खासकर, देखें ये विश्राम चौक है और लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियों की कतार आपको यहाँ पे दिख जाएगी, मतलब ये कोई छोटा चौराहा नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों का आवागमन यहाँ पर है, बस यहाँ से निकलती है, ट्रक यहाँ से निकलती है, और चार पहिया गाड़ी भी लगातार यहाँ से छोटे बड़े वाहन निकलते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तमाम तरह के वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, और इस तरफ ध्यान से देखेंगे तो देखें यहाँ पे बड़ी बसें भी जो कि दिल्ली सरकार की है वो निकल रही हैं, और एक चौराहा और गड्ढे अनगिनत। देखें ध्यान से, अगर थोड़ी सी दूरी पे कैमरे के माध्यम से नजर आ रहा हो तो पीले कलर के बैरिकेड पुलिस के लगे पड़े हैं वहाँ पर, उस तरफ लगे पड़े हैं पुलिस के बैरिकेड, क्यों लगे हैं? क्योंकि वहाँ पर भी सत्यानाश हो रखा है, साल में 3 बार वो जगह जो है 4 से 5 फीट उससे भी ज़्यादा हो तो धस चुकी है, और विधायक जी की भली मानसी मानूंगा कि वो उसकी रिपेयर करवा चुके हैं, लेकिन वो फिर धस जाती है, ना जाने या तो विधायक जी के काम में कमी है या उनके कारीगर में कमी है, अब किस चीज़ में कमी है वो नहीं बता पाऊंगा। दूसरी बात, अगर एक और नमूना देखेंगे तो ये वो रोड है जो आपका अवंतिका की ओर जा रहा है, ये इस तरफ का रोड है जहाँ से गाड़ी वापसी आ रही है, अवंतिका से इस तरफ आ रही है। अब देखें रोड के किस तरह से यहाँ पर दरारें पड़ चुकी हैं, देखिए ध्यान से पूरी रोड यहाँ पर यह फटने को हो चुकी है, लेकिन सरकार को कहें या यूं कहूं कि विधायक जी को कहें, किसी को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये विश्राम चौक है और विधायक जी विश्राम कर रहे हैं और हमारे नेताजी भी विश्राम कर, देखिए ये जगह यहाँ से कितनी बैठ चुकी है, देखें ध्यान से ये यहाँ से टेपर में आ चुके, मतलब पूरा विश्राम चौक का सत्यानाश इस समय हो रखा है, लेकिन विधायक जी इस चीज़ की कोई सुध-बुध नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको विदेश की यात्रा करनी है। दूसरी चीज़ दिखाऊंगा देखो, और ये सिर्फ जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल मिसयूज हो रहा है सिर्फ, और जिस दिन अगर हम लोग ये समझ जाएंगे कि हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से सरकार सड़क बनाती है, और ये सड़क किस तरह की बन रही है खुद देख लें, जो साल में 3 बार बिना चली हो, 1 साल में 3-3 बार रिपेयर करी गई है, वो कोई किसी के बाप का पैसा नहीं था, कोई सांसद अपना खेत बेच के पैसा नहीं लाता, हम लोग अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा लगाते हैं तब जाकर के सड़क बनती है, लेकिन विधायक जी को, नेता जी को, सांसद जी को, मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ से क्या फर्क पड़ने वाला है? जनता की बाड़ी कमाई है, साला लूटते चले जाओ और अपना घर भरते चले जाओ, और कुछ अभद्र भाषा बोल दूंगा तो फिर कहेंगे इसको बोलने की तमीज नहीं, क्या करूं बताओ, ये सत्यानाश को देख के भी चुप रहूं? आ जाओ दूसरी बात, अब यहाँ पर ये देखो कितना बड़ा होल हो चुका है, कितना बड़ा गड्ढा है यहाँ पर, एक बार ध्यान से देखो, और इसकी नींव है ही नहीं कुछ भी साला, एक बार और कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर अगर आपको नजर आएगा अच्छे से,
देखो यहाँ पर इसके नीचे पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा मतलब कोई नहीं, भरी नहीं गई है। और ये वो चौराहा दिखा रहा हूँ मैं आपको जो कि विश्राम चौक का है, मतलब विश्राम चौक वो चौराहा है जो क्या नाम है 24 घंटे जिसके ऊपर ट्रैफिक आना जाना लगा रहता है। बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, चार पहिया गाड़ी हो, छोटी, ये देखो यहाँ, ये देखो तमाम गाड़ियों का आवागमन जारी है। और उसके बाद यहाँ पर चौकसी के लिए ये लगाए गए हैं ताकि सावधान लग जाए। देखिए यहाँ पर लिखा है सावधानी बनाने के लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सावधानी होगी कैसे? ट्रैफिक अभी भी यूं का यूं आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कोई भी यहाँ पर कर्मचारी ऐसा नहीं है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करे। और कल का भगवान न करे यहाँ के ऊपर कोई हादसा हो गया तो मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा कर देंगे, प्रधानमंत्री जी अपनी घोषणा कर देंगे, लेकिन उसका क्या, आ जाओ उसका क्या जिस माँ का लाल यहाँ पे जपेगा, शायद उससे किसी को कोई मतलब। और ईसाई मायने में सबको अपनी राजनीतिक रोटियां चमकानी है, इसलिए इसको सिर्फ एक मुद्दा बना करके लड़ना है बस। अब यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं और एक बार इनसे बात करेंगे थोड़ा सा आराम आराम से बेटा। देखिए बहुत बहुत गहरा और पूरा, इसके अंदर किसी तरह की कोई नींव नहीं है। और शर्म आनी चाहिए विधायक जी को, मुख्यमंत्री साहब को कि ये क्या नाम है, हमने पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया और उन सड़कों का जिसको वो कहते थे हम लंदन और पेरिस बना देंगे। शर्म आनी चाहिए, उस चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए और इस गड्ढे के अंदर डूब के मर जाने से ही मैं विधायक जी आपको, तो शर्म आनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या बताओगे राजेश जी इसको देख करके? मुझे तो ये समझ में नहीं आता और कभी कभी दुख भी होता है कि दिल्ली के लोग ऐसे लोगों को चुनते क्यों हैं। आप ये देखिए, ये विश्राम चौक जो अभी आप बता रहे थे वो देखिए, तो इत्तफाक की बात है, आप यहाँ खड़े थे, हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, वो देखो वो चुराया, वो साल में 3 बार लूटता है, वो 3 बार वो सड़क बैठती है। और उसके बाद ये चीज़ देखो आप, अब ये साथ में इतने बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं, अगर जैसे इसमें दिखाना है एक बार भाई, ये 12 फुट तक अंदर कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सब कुछ खाली है ये। अगर मान लो वहाँ कोई बड़ी गाड़ी निकलती है तो 100% बैठेगी वो, 100%। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री कहता था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, मैं तो दिल्ली का पता नहीं लंदन बना दूंगा, दिल्ली की सड़कें आप लोग भूल जाओगे कि आप दिल्ली में रह रहे हो, ऐसा लगेगा आप पेरिस में रह रहे हो। आप हमारी इसी विधानसभा में रहते हो, आपको एक एक चीज़ का पता है, चप्पे चप्पे की जानकारी है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बाहर मेन रोड कंझावला रोड है, कभी आप रामा विहार की तरफ गए हो, कंझावला रोड की तरफ गए हो, आज उस सड़क को टूटे हुए 7 से 8 साल हो गए हैं, 7 से 8 साल। मतलब आप ये देखो, जाता ना इंसान तो दुख होता है। और कई बार तो लोग जो उधर से आते हैं वो ये कहते हैं, यार तुम लोग दिल्ली ऐसी दिल्ली होती है क्या, इससे तो बहुत बढ़िया गांव देहात है, बहुत ही बढ़िया। और आज पूरी दिल्ली के जो हालात हैं वो इतने भयंकर और खतरनाक हो रखे हैं। आ जाओ, मैं तो ये देख के रुका हूँ, देखो ये हालत है। अब खुद देखो विधायक जी, वाकई मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, सच मायने में हम लोग आपको वोट क्यों देते हैं, आप लोगों का भविष्य बनाते हैं हम लोग वोट देके। हम लोग आपको विधायक महेंद्र गोयल से विधायक किसने बनाया, जनता ने बनाया वोट दे करके, मतलब आपको रोजगार दिया और आप लोगों ने क्या किया, हम लोगों को बेरोजगार किया। तमाम लोग वो हम लोगों को बेरोजगार करने में लगे जिनको हम अपने कीमती वोट दे करके रोजगार देते हैं। ये सत्यानाश है, हमारी जेब के ऊपर सीधा सीधा नुकसान है। हम लोग सामान खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, मैंने शर्ट खरीदा, माइक खरीदा, कॉलर माइक खरीदा, जो भी खरीदा सब चीज़ के ऊपर टैक्स दिया, वही टैक्स दिल्ली सरकार के पास जा रहा है। लेकिन हम टैक्स क्यों देते हैं, ताकि हमें अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेंगी, लेकिन सड़कों के नाम पे आप लोग इतना बड़ा गड्ढा देते हो सारा, और फिर आप लोग कहते हो हम लोग लंदन और पेरिस बना रहे हैं, इसमें दिल्ली सरकार का एक बंदा यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन इस सड़क से आना जाना जरूर रहेगा, इस सड़क से आना जाना जरूर रहेगा, लेकिन कोई भी आम आदमी पार्टी का बंदा कहूँ या दिल्ली सरकार का बंदा कहूँ, क्योंकि वो लोग सब के सब नपुंसक हो चुके हैं, हिजड़े हो चुके हैं, एक बंदे में माँ का दूध नहीं पिया जो इस गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सके। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आम आदमी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, सही मायने में आज आम आदमी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का जो काम है उनके कार्यकर्ता इसलिए नहीं बोलेंगे, उन्हें बुरा लग जाएगा साला हमें टिकट नहीं मिलेगा अगली बार को विधायक जी के खिलाफ बोल दिया तो, लेकिन उनके अंदर दम नहीं कि हम गलत को गलत बोल सकें। सही मायने में हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर समझना होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आम आदमी पार्टी को वोट मत दो, यार दो जिस मर्जी को, तो आपका अपना अधिकार है, लेकिन नेताजी लोगों से भी निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के, क्यों हम जनता को लूट रहे हो यार, क्यों हम लोगों का खून चूस रहे हो,
इतनी मोटी मोटी तनख्वाह सरकार आपको देती है, कोई सांसद अपने खेत बेच के नहीं दे रहा तनख्वाह, हम लोगों के टैक्स के पैसे से है वो तनख्वाह भी, और आप लोग हमको क्या दे रहे हो? ये शर्म आनी चाहिए विधायक जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और यहाँ के लोकप्रिय सांसद हंसराज हंस जी, कम से कम एक बार आप ही आके देख लेते हो क्या रहा आपके क्षेत्र में। लेकिन सही मायने में सबको साला राजनीति करनी है, सबको, किसी को जनमन मुद्दों पे बात करनी नहीं है। अभी हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा निकल के आ जाए तो तुरंत यहाँ पे चैनलों के ऊपर डिबेट बैठनी शुरू हो जाएगी, बड़े बड़े नेता अपने अपने व्यक्तित्व देने लग जाएंगे। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत पर उतर के बात करने की आए तो ना ही कोई नेशनल मीडिया यहाँ पहुँचेगा और ना ही कोई वो नेता, ईमानदार नेता पहुँचेगा जिसको वाकई दिल के अंदर दर्द हो कि यहाँ पर वाकई गलत हो रहा है ये काम। नहीं तो एक साल के अंदर तीन तीन बार सड़क बैठ जाए, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, शर्म के मारे डूब मरना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और एक रिठाला विधानसभा है, बात करते हैं बड़ी बड़ी, क्या कहोगे इसके बारे में दोस्त? मुझे तो लग रहा है केजरीवाल जी ने जो कहा है ना कि मेरा झीलों का प्रोजेक्ट है, मुझे लग रहा है विश्राम चौक पे झील बनाने की सोच ली है केजरीवाल जी ने। जब भी बार बार सड़क धस रही है और वो पूरी अच्छी तरीके से ठीक नहीं कर पा रहे, या तो वो झील बनाने की सोच रहे हैं, या मैं सोच रहा हूँ सिसोदिया जी को जेल से छुटाने के लिए सुरंग तो नहीं बना रहे। मुझे तो कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट लग रहे हैं केजरीवाल जी के, लंदन तो बनाने की नहीं सोच रहे वो, ये तो पक्की बात है। ये देखो किस किस तरह की बातें उठ रही हैं, और वो उठना लाजमी बात है क्योंकि आम जनता अपने गाड़ी टैक्स की कमाई आप लोगों को पहुंचाती है, तब जाके अगर आप लोग एक सड़क सही से नहीं बना पा रहे, एक विश्राम चौक को सही से नहीं सुधार पा रहे तो क्या करेंगे आप? जिस समय इलेक्शन का समय था आपने रिठाला विधानसभा की तमाम वो गलियां, बुद्ध विहार की हर वो गली बनाने का प्रयास किया ताकि वोट मिल जाए। हालांकि सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं करती, सभी सरकारें वो काम करती हैं, लेकिन तीव्र गति वो दिल्ली सरकार के रिठाला विधानसभा के अंदर महेंद्र गोयल जी की नजर आई थी कि तमाम वो गली साला बना के रख दी, जो कि चाहे वो बनने लायक थी या बनने लायक नहीं थी, उसके अंदर पानी की पाइपलाइन डली, सीवर डले, गैस की लाइन डली या नहीं डली उससे कोई मतलब नहीं, रातों रात गली बन गई। लेकिन अब उन्हीं गलियों का हालात देख लो, बद से बदतर हुई पड़ी हैं बुद्ध विहार की। और अब देख लो, ये बार बार दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको जलील कर रहा हूँ, बार बार मकसद दिखाने का है कि आपकी छोटी सी आंखें बड़ी होके खुल जाएं और आपको शर्म आए कि मैं हो क्या रहा है यहाँ पर। और निवेदन करूँगा बड़े चैनल के पत्रकारों से भी कि यहाँ पर आए और जनमन मुद्दों के ऊपर हम लोग बात के बात करें, हम लोग शिक्षा के ऊपर बात करें, स्वास्थ्य के ऊपर बात करें, सड़क रोड के ऊपर बात करें। निवेदन करूँगा विधायक जी, अगर वाकई थोड़ी सी शर्म है तो इसको ऐसा काम कराओ मजबूती से ताकि हम लोग आपको दुआएं दें, क्षेत्रवासी आपको दुआएं दें कि हमने किसी अच्छे नेता को चुना है, हमने किसी का अच्छे व्यक्ति का भविष्य बनाया है जो हम लोगों का ध्यान रखता है क्षेत्र का। लेकिन हम लोग पछता रहे हैं सही मायने में ऐसा विधायक चुन के, विधायक महेंद्र गोयल आम आदमी पार्टी, गजब, शर्म आनी चाहिए। सही मायने में मेरे विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और ऐसे सत्यानाश काम को लेकर के और ऐसे नेताजी को लेकर के आपके अपने क्या राय है कमेंट बॉक्स में विचार जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।